नमस्कार, आज के इस फिनपॉइंट सेशन में हम रिलायंस कम्युनिकेशंस के बारे में बात करेंगे। रिलायंस कम्युनिकेशंस, जो कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है, वो बैंकरप्सी कोर्ट में इंसॉल्वेंसी फाइल करने जा रही है। रिलायंस कम्युनिकेशंस दैट इज आरकॉम पर करीब 45,000 करोड़ का डेट है और स्वीडन की नेटवर्क कंपनी इरिक्सन का 550 करोड़ का पेमेंट अभी तक आरकॉम ने नहीं किया है। इरिक्सन का ये पेमेंट बहुत टाइम से पेंडिंग है और अब तो इरिक्सन पेमेंट मांगते मांगते थक गया है। अब इरिक्सन ने आरकॉम के ओनर अनिल अंबानी को अरेस्ट करने का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। इनसॉल्वेंसी से बचने के लिए आरकॉम ने कोशिशें तो जरूर की, पर इतना ज्यादा डेट और लगातार हो रही खराब परफॉर्मेंस की वजह से दिक्कतें बढ़ती गई। आरकॉम ने अपने एसेट्स जैसे कि जमीन, नोट्स और टावर्स बेचकर पैसा खड़ा करने की कोशिश की ताकि वो अपना डेट चुका सके। मिस्टर अनिल अंबानी ने आरकॉम के एसेट्स बेचने के लिए अपने भाई मिस्टर मुकेश अंबानी को अप्रोच किया था और फिर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो आरकॉम से स्पेक्ट्रम और टावर्स खरीदने के लिए तैयार हो गए थे और साथ ही कनाडा की कंपनी ब्रुकफील्ड आरकॉम से रियल एस्टेट खरीदने के लिए तैयार हो गई थी, पर कुछ लीगल इश्यूज के चलते ये डील पूरी नहीं हो पाई। बैंक्स को रिलायंस कम्युनिकेशंस ने उनका पैसा रिटर्न नहीं किया था, जिसके चलते बैंक्स ने आरकॉम पर स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग लागू की थी, जिसके बाद आरकॉम ने डेट रिजोल्यूशन प्लान बनाया और बैंक्स को बताया कि वो अपने कुछ एसेट्स बेचकर 25,000 करोड़ रेज करेंगे, अपने कुछ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचकर 10,000 करोड़ रेज करेंगे और आरकॉम को कुछ स्टेक बेचकर 4,000 करोड़ रुपए रेज करेंगे। इस तरह 39,000 करोड़ से वो अपना डेट कम करेंगे, पर इसमें से कोई भी डील पूरी नहीं हो सकी। शुरुआत में आरकॉम ने एयरसेल के साथ मर्ज होने का प्लान बनाया था, पर वो डील भी पूरी नहीं हो पाई थी। वैसे आपको बता दूं कि रिलायंस जियो आने के बाद आरकॉम ने अपना 2G और DTH बिजनेस बंद कर दिया था और B2B एंटरप्राइज बिजनेस शुरू किया था। बैंक्स ने आरकॉम पर स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग लागू करने के 18 महीने बाद भी बैंक्स को एक रुपया भी नहीं मिला और अब फाइनली आरकॉम ने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करने का डिसीजन लिया है, जिसके बाद NCLT जो कि बैंकरप्सी कोर्ट है वहां पर आगे की प्रोसेस होगी। तो देखते हैं कि NCLT में आगे क्या प्रोसेस होती है। वैसे जियो आने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल गई है। एयरसेल ने पहले ही बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है और अब आरकॉम ने भी बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो चुका है और भारतीय एयरटेल ने टेलीनॉर को अक्वायर कर लिया है। 2008 में आरकॉम का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,75,000 करोड़ था और कल यानी 1 फरवरी को आरकॉम का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,200 करोड़ था। तो पिछले 10 सालों में आरकॉम कहां से कहां आ गया है ये आप देख सकते हो। इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हम कल एक केस स्टडी बनाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि क्यों मिस्टर मुकेश अंबानी की वेल्थ बढ़ती जा रही है, वहीं मिस्टर अनिल अंबानी की वेल्थ कम हो रही है। आशा करता हूँ कि आपको आज का फिनपॉइंट सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।